सबसे पहले सभी को नेशनल यूथ डे की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। हमारा यूथ जो है वो हमारा प्रेजेंट भी है और हमारा फ्यूचर भी है। स्वामी विवेकानंद इसके सबसे बड़ी मिसाल रहे। ना ही उन्होंने सिर्फ अपनी फिलॉसफी आइडियोलॉजी से युवाओं के लिए रास्ता खोला, बल्कि उन्होंने एज ए लीडर हमको लीड किया है फ्रॉम द फ्रंट। और जो उनका पूरा लाइफस्टाइल रहा है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मिसाल रहा है कि एक युवा को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। तो सबसे पहले उसी उसी की सभी को ढेर शुभकामनाएं। जैसा कि आज हमारा जो टॉपिक है, इट्स अ ब्रिलियंट टॉपिक। और जब ये टॉपिक मेरे हाथ लगा है कि टोबैको फ्री इंडिया और टोबैको पे टैक्स, इसका फ्यूचर क्या है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पढ़ाई करने में बहुत बिलीव रखती हूँ एंड आई ऑलवेज डू माई होमवर्क। तो मैं पूरा 2 घंटे लगाकर मैं इसमें आई हूँ कि टोबैको का इश्यू है क्या, व्हाई गवर्नमेंट इज समवेयर प्रमोटेड चुपके से, एंड व्हाट्स द बेनिफिट, पीछे बेनिफिट क्या है। एट द सेम टाइम इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी आता है, बिकॉज विदाउट पॉलिटिकल विल एंड पॉलिटिकल यू कैन से पावर, किसी भी जगह पे, किसी भी सिस्टम में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में कोई चीज नहीं टिक सकती। ये आप सब एक व्हाइट ट्रूथ की तरह मानेंगे कि इट्स द व्हाइट एलिफेंट इन द रूम, कि ये सच बात है। तो वो पूरा एंगल समझने के लिए मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत डिस्कस भी करना चाहूंगी कि टोबैको का जो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रहा है वो क्या रहा है, एंड 1947 में जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि 16th-17th century में पोर्चुगीज जो भारत आए थे उन्होंने टोबैको का कल्चर जो है, टोबैको की जो खेती है वो इंडिया में शुरू की है। बाय द टाइम 17th century तक यूरोप में पूरा का पूरा आपका टोबैको का जो एग्रीकल्चर था, टोबैको का जो एक्सपोर्ट था, प्रोडक्शन था, मैन्युफैक्चरिंग, वॉट एवर इट वॉज, वो पूरी तरीके से हो चुका था। क्रिस्टोफर कोलम्बस के बारे में हम लोगों ने सभी ने सुना है। तो जब अपनी वॉयज पे वो निकले थे, ही वॉज द वन जो आपके टोबैको की खेती को यूरोप में इंट्रोड्यूस करा के कराने में जिम्मेदार थे। तो जब इंडिया में अगर मैं इसकी बात करूं तो इंडिया में 1930s तक इंडिया ग्लोबली टोबैको प्रोडक्शन में पूरे दुनिया के ग्लोबल मैप पे आ चुका था। तो आप ये देखेंगे कि बाय द टाइम वी गॉट आर इंडिपेंडेंस 1947 में इंडियन गवर्नमेंट ने भी टोबैको कल्टिवेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, क्योंकि इसके जो हिडन बेनिफिट्स थे वो बहुत बहुत ज्यादा थे। फर्स्ट जो बेनिफिट एक आता है वो यही आता है कि इससे रेवेन्यू बहुत मिलता है। आज के समय में भी जो गवर्नमेंट से अगर वो बात कर रही है कि टोबैको पे टैक्स लगाना चाहिए, बिकॉज इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर देम, क्योंकि वो टैक्स लगाएंगे नेचुरली उनका टैक्स रेवेन्यू बूस्टअप होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्टअप होगी, जीडीपी के आंकड़ों में हमारी बहुत बढ़ोतरी होगी। एट द सेम टाइम जब गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट जो सैंक्शनड गवर्नमेंट होती है, जिसके पास इलेक्टोरल पावर होती है, लोगों का थप्पा होता है, जब वो सरकार टैक्स लगाती है ऐसे सिंपल गुड्स पे, तो एक उसकी रेपुटेशन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है कि नहीं, गवर्नमेंट हमारा ख्याल रखती है। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट 2020 के आंकड़े हैं ये, इंडिया ने लगभग टोबैको से ही $370 बिलियन का जो है वो आप कह सकते हैं कि ग्रोथ पाई है। $370 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट जो इंडिया की इकोनॉमी में केवल टोबैको और टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट से ही आया है। एक और बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जो मुझे भी बहुत यूनिक लगी, टोबैको को भी हम लोगों को 80-20 की तादार में बांटना होगा। सिगरेट जो कि टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट है, दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय ओनली 20% जो हायर एलीट है हमारे पूरे भारत का, वो सिर्फ 20% है। जो बचे हुए 80% हैं वो गुटखा, आपकी जो ये पान है, ये सब जो है जिसको हम बोलते हैं कि विमल पान मसाला, देखिए आजकल हीरो हीरोइंस भी बेसिकली इसको कितना प्रमोट कर रहे हैं, इलायची को प्रमोट कर रहे हैं। सो दे आर नॉट कंसर्न अबाउट की हेल्थ क्या है, दे ऑल आर कंसर्न अबाउट बिकॉज इट इज अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल। हमारा 80% जो पूरा का पूरा पॉपुलेशन है वो गुटखा, बीड़ी, खैनी, ये सब चीजों को कंज्यूम कर रहा है। तो आप देखेंगे सिगरेट वाला जो पॉपुलेशन है 20%, हम कहते हैं कि सरकार इस पे टैक्स बढ़ा दे,
सरकार इस पर टैक्स बढ़ा देगी। अगर मान लीजिए सिगरेट आज एक 10 रुपए की मिल रही है, उस पे इन जनरल मैं आपको बताऊं तो 5 रुपए 27 पैसा जो है वो टैक्स जो है सरकार को जाता है 10 रुपए में से, यानी नियरली 53% टैक्स जो है वो एक सिगरेट पे सरकार को जा रहा है। सरकार अगर इस टैक्स को 53% से बढ़ा के 75% भी बढ़ा देगी, जो कि WHO द्वारा एक निर्धारित बात की गई है, तो भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो जो 20% इलीट है वो सिगरेट का दाम चाहे 10 रुपए है चाहे 18 रुपए है, जो जिनकी सैलरी 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में है, दे विल इजिली अफोर्ड इट, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सफर कौन करेगा? जो आपके लगभग 80% लोग हैं जो बीड़ी गुटखा खैनी ये सब चीजें खा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं अगर इन पे अगर आप टैक्स बढ़ा देंगे तो ये लोग सफर होंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी स्टडीज में पाया गया है, बहुत सारे सर्वे में पाया गया है, बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स में ये चीज पाई गई है कि अगर आप इन 80% वाले लोगों पे जो बीड़ी सिगरेट है इन पे टैक्स बढ़ा देंगे इनकी कंजप्शन पे, तो वो लोग अपनी जो इसेंशियल कमोडिटीज है उस पे कहीं ना कहीं वो लोग सैक्रिफाइस करेंगे। हो सकता है घर में आटा दाल चावल कम आए, लेकिन वो बीड़ी सिगरेट की जो आदत है शायद वो उनको मजबूर कर देगी कि वो इसेंशियल कमोडिटीज पे कम खर्चे। शायद बच्चे को स्कूल भेजना था, वो भी लॉन्ग रन में वो ना सोचे कि हम बच्चे को स्कूल में भेजेंगे, ये बात भी हमको समझनी होगी। एक दूसरा रीजन व्हाई गवर्नमेंट हैज बीन प्रमोटिंग इट साइलेंटली, इवन दो आप देखोगे कि जो आपका सिगरेट का डब्बा होता है उस पर 85% ऐसा एरिया है जहां पे बहुत ही भयंकर और डेंजरस तस्वीरें बनी होती हैं, यहाँ से मुंह ही नहीं होता है पूरा का पूरा, और ये लिखा जा रहा है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये कैंसर कॉज करती है, इट इज कार्सिनोजेनिक, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इस चीज को प्रमोट कर रही है। उसके एक दो कारण मैंने आपको बताए। नंबर 1 इज द टैक्स, बहुत ज्यादा टैक्स इससे जनरेट होता है। दूसरा, इसमें टोबैको लॉबीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सिर्फ भारत बात नहीं है, विश्व के ऐसे बहुत सारे देश हैं, रशिया ले लीजिए, जितने भी इलेक्शन हुए जो कि बहुत बड़े स्तर पे इलेक्शन हुए उनको फंड करने वाली ये टैक्स लॉबी भी थी। आपको पता होगा अपने भारत में भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका बहुत सारा शेयर है गवर्नमेंट की कंपनीज में, LIC में बहुत ज्यादा शेयर है, आपका जनरल इंश्योरेंस कंपनी में बहुत ज्यादा शेयर है। ये जो टोबैको लॉबीज है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस तरीके से मैनिपुलेट भी करती है कि जो लॉज एंड लेजिस्लेशन आए वो इनके फेवर में आए। दिस वॉज द रीजन कि कोविड के दौरान भी जो आपका सिगरेट था इस पे कोई बैन नहीं लगा। मैं आपको बांग्लादेश का भी बताना चाहूंगी, बांग्लादेश में भी सेम ऐसा ही हुआ है कि जो टोबैको लॉबीज थी उन लोगों ने मजबूर कर दिया गवर्नमेंट को कि इसको एसेंशियल कमोडिटी में रखा जाए। सेम वॉज द केस विद रशिया ऑल्सो, टोबैको लॉबीज ने कहा अलॉन्ग विद सोप सैनिटाइजर्स एंड मास्क आप सिगरेट को भी जो एक एसेंशियल कमोडिटी में इंक्लूड कर दीजिए, एंड दैट वाज बीइंग डन। कहीं पे भी सिगरेट का जो व्यापार था, सिगरेट की प्रोडक्शन थी, सिगरेट का सेल आउट था, वो कहीं पे भी बंद नहीं हुआ, प्रोवाइडेड दैट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ ये जो बीड़ी वगैरह बनाने का काम है 50% इसमें फीमेल जो है वर्कफोर्स इंक्लूडेड है। तो सरकार एक ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बोलती है कि लगभग भारत में 36 से 50 लाख ऐसे लोग हैं जिसको एम्प्लॉयमेंट ही ये टोबैको बेस्ड इंडस्ट्रीज प्रोवाइड कर रही हैं, क्योंकि वो जो बीड़ी का रिफाइंड बनाना होता है द वे यू मेक इट दिस इज बीइंग डन बाय वेमेन ओनली। तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे पॉइंट है कि एक तरफ टैक्स को भी उनको मैनेज करना है, सेकेंड इज द केस विद द एम्प्लॉयमेंट, एंड लेट मी टेल यू गवर्नमेंट ऑल ओवर इंडिया में लगभग 1 लाख रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं जो टोबैको के पत्ते को उगाते हैं, और बहुत सारी ऐसी ब्लैक मार्केट भी है बिकॉज एवरीबडी एवरी फार्मर इज नॉट रजिस्टर्ड ऑन द प्लेटफॉर्म विद द गवर्नमेंट। सो ऐसे बहुत सारे अनरजिस्टर्ड भी हैं, दैट इज लीडिंग टू अ ब्लैक मार्केट। तो एक ब्लैक मार्केट का भी जो काला धंधा है वो चल रहा है, तो वो वाली बात आ जाती है टोबैको के पूरे केस को कि धंधा है पर गंदा है, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड इट टू द वेरी कोर कि प्रॉब्लम क्या है। इतनी सारी एक्साइज ड्यूटी आ रही है, 53,000 आप कह सकते हैं 53,000 करोड़ एनुअली जो टैक्स हैज बीन कलेक्टेड GST और एक्साइज को मिला के टोबैको से। तो व्हाट आई फील कि इसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल पे बहुत मैटर करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे बहुत मैटर करता है। लॉन्ग रन में एक गवर्नमेंट को, एक एम्पावर्ड गवर्नमेंट को, समझदार गवर्नमेंट को ये सोचना होगा
कि हमने अपनी पॉपुलेशन को अडिक्टेड कर दिया है आज से नहीं 1947 से, जब हमने इसकी कल्टीवेशन को प्रमोट किया। कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए प्रॉपरली पूरे भारत में 7 टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं जो आज आयकर के अंडर जो है वो काम कर रहे हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि लंबे समय तक हमको रेवेन्यू में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग बीमार होके आ रहे हैं इसके कंजप्शन से, सरकार का एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिक हेल्थ उतना ही बढ़ रहा है। दिस इज द सेम थिंग। तो गवर्नमेंट को लॉन्ग रन में सोचना होगा। फॉर दिस न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, आप लोगों ने सुना होगा कि 2027 तक न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने कहा है कि 14 साल से कम बच्चों को कहीं पे भी टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट्स की एक्सेसिबिलिटी होगी नहीं इनके देश में। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है, भारत को भी इस ओर सोचना बहुत जरूरी है। साथ ही में जो लोग जिनका रोजगार टोबैको से जुड़ा है, जैसे मैंने आपको कहा फार्मर्स हैं या और लोग हैं, उनको हमको टोबैको के मेडिसिनल यूज की तरफ लेकर आना होगा। क्योंकि जैसे भी बहुत सारी गवर्नमेंट्स मरिजुआना के बारे में भी सोच रहे हैं कि कनाडा में लीगलाइज है, वहां लीगलाइज है, भारत को क्या करना चाहिए, तो जी जो चीज कहीं समझ नहीं आती उसका जो उत्तर होता है वो हमेशा रेगुलेशन पे होता है, प्रोहिबिशन या बैन पे नहीं होता। टोबैको के लिए भी वही चीज जरूरी है कि हमको इसके मेडिसिनल यूज को जो है बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत है, और जो फार्मर्स जिनकी इकोनॉमी इस पर डिपेंड करती है उनको भी सरकारी फोल्ड में लेने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और इन द एंड एज पीपल वुड ऑल्सो सेइंग कि इस पे टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली सरकार को इस पे टैक्स बढ़ाना चाहिए। एक आर्टिकल एक रिपोर्ट कहती है कि अगर सरकार इन चीजों पे 10% भी टैक्स बढ़ाती है तो भी इसकी कंजप्शन जो है कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। द होल पॉइंट इज अबाउट डिमांड तो बहुत ज्यादा है भारत में, भारत दूसरे नंबर पे सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है टोबैको का आफ्टर चाइना। तो आप देख सकते हैं कि डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन हमको सप्लाई कहीं ना कहीं जो है वो कम करनी पड़ेगी। और एड जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि सरकार को रेवेन्यू में लॉस उठाने के लिए कहीं ना कहीं रेडी रहना होगा लॉन्ग रन में। वी कांट कॉम्प्रोमाइज विद द हेल्थ ऑफ आर पॉपुलेशन, क्योंकि यही रिसोर्स यही चीज जो है हमारी असली ताकत है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड ऑन टोबैको। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन वी कैन टेक इट। सबसे पहले तो मैम जोरदार तालियां आपके जो आपने लर्न किया हमें सिखाने के लिए, एंड ऑल द काइंड ऑफ फ्रॉम द प्री इंडिपेंडेंस टू द प्रेजेंट टाइम्स, जो जिस एनर्जी और जज्बे के साथ आपने आज हम सबको अपने थॉट्स शेयर किए, दैट वाज रियली नाइस। मेरे को आपके पॉइंटर से ये चीज समझ में आई कि ICAI जो इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है वो 7 टोबैको इंस्टीट्यूट्स को अभी करंटली मॉनिटर एंड वो कर रहा है, विच वाज समथिंग वेरी फ्रेश फॉर मी एज वेल, क्योंकि हम कई बार अपने काम में इतना खो जाते हैं दैट यू नो रियलाइजिंग व्हाट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो बिल्डिंग टू प्रमोट द सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट, एंड कैसे सरोगेट एडवर्टाइजिंग आजकल इतने पुश में आ गई है कि यू नो हम बोल तो रहे हैं कि विमल की इलायची, बट हमारे घर की मदर्स विमल की इलायची इज नॉट बीइंग यूज्ड, हम वेंडर के पास जाके इलायची नहीं लाते वो वाली, हम मार्केट से एक प्रॉपर इलायची लाते हैं तो वो उतने सस्ते दामों में मिल रही है। जैसे केसर के प्रोडक्ट्स बोलते हैं बहुत महंगे आते हैं, बट टोबैको प्रोडक्ट्स को केसर वाला बोलकर भी they were promoted and they try to sell it. तो ये बहुत बड़े एक तरीके से हमारे जो journey है उसके challenges हैं जिनको हम face भी कर रहे हैं, and we are trying to make sure कि हमारी government ये realize भी करे इनके loopholes, क्योंकि ये indirectly promote कर रहे हैं। और ये सब किसको target करते हैं, ये सब youth को target करते हैं। चाहे आप ITC के brands ही देख लीजिए, Indian Tobacco Company ITC का full form है, which is thought to be one of the most premium brands. In fact, मतलब मैं फिलहाल अभी डॉम्स का register use करता हूँ, बट पहले मैं क्लासमेट का रजिस्टर यूज करता था, एंड ये भी एक आईटीसी का ही प्रोडक्ट है। यहाँ पे इफ आई कुड शो यू, सर आपका म्यूट हो गया आई थिंक, सो सॉरी।
तो उस वजह से सब सब कुछ बहुत इनडायरेक्टली हमारे घरों तक पहुंचाया जा रहा है टू प्रमोट सरोगेटली व्हाट देयर साइड प्रोडक्ट्स आर टूवर्ड्स द डायरेक्ट प्रोडक्ट विच इज मे बी सिगरेट बीडीज और खैनी और गुटखा। तो थैंक यू सो मच मैम। मेरा आपसे जो क्वेश्चन यहाँ पे ये है लाइक सिंस आप एक गवर्नमेंट एसोसिएट हैं एंड यू आर वर्किंग फॉर विद द गवर्नमेंट, तो व्हेन वी आर ट्राइंग टू रीच आउट ऑफिशियल्स लाइक यू, तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हमारे पास एक लाइक पब्लिक पॉलिटिशियन या रिप्रेजेंटेटिव का भी सपोर्ट हो, विच आई अग्री, बट समटाइम्स इट इज टफ टू गेट दैट सपोर्ट। तो उस टाइम पे हमें कैसे स्टेप्स लेने चाहिए टू मेक श्योर कि दे कैन ट्रस्ट अस, वी आर लॉयल टू आर गवर्नमेंट एंड वी आर द यूथ हु आर ट्राइंग टू बी क्रिएट अ बेटर इंडिया और अ बेटर स्टेट्स फॉर अस इंडिविजुअली, तो उस चीज को हम कैसे टेकअप करें? देखिए, आई बिलीव अब समय वैसा नहीं रहा है जहाँ पे पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक सोसाइटी से या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ द सोसाइटी से एक पर्दा रखती थी। अब जो चेहरे आ रहे हैं समाज में वो बहुत ही आप कह सकते हैं ओपन आ रहे हैं। दे आर एक्सट्रोवर्ट, वो अपनी बात रखना जानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, व्हाट आई बिलीव इन माई सेल्फ, कि मैं अगर कोई बात को मानती हूँ तो मैं उसको पब्लिक डोमेन में रखना भी जानती हूँ। बाई दिस वे, जो मैंने आज टोबैको पे भी कहा, आई एम नॉट बिट्रेइंग गवर्नमेंट, आई एम नॉट बिट्रेइंग और आई एम नॉट डिसअपॉइंटिंग सम पोलिटिकल पार्टी। द थिंग इज, चाहे गवर्नमेंट है चाहे पोलिटिकल पार्टी है, वी ऑल आर यूथ और हम सब एनर्जी है। जैसे आपका टारगेट भी मैं लोगो पढ़ रही हूँ, यूथ इज द एनर्जी ऑफ द नेशन, कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इनको यूथ के बारे में सोचना होगा, क्योंकि अगर ये आज नहीं सोचेंगे तो कल जाके भुगतान इन्हीं के बच्चों को करना होगा या हो सकता है इनको खुद को करना होगा। सो आई थिंक नाउ न्यू एनर्जी इज कमिंग इन ब्यूरोक्रेसी, न्यू एनर्जी इज कमिंग इन पॉलिटिक्स ऑल्सो, नए चेहरे आ रहे हैं एंड आई थिंक अगर आप उनसे अपनी बात रखेंगे तो वो जरूर इस बात को प्रमोट करेंगे। बिकॉज इन द एंड हूसोएवर इज कमिंग इन टू दीज डोमेन, चाहे भले ही बहुत सारे मोटिव क्यों ना रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन दे स्लीप, कहीं ना कहीं वो ये जरूर सोचते हैं कि हमने आज एक इंसान के लिए अच्छा क्या किया। तो लेट्स बिलीव इन द गुडनेस ऑफ द पीपल एंड एज आई सेड कि न्यू फेसेस आर कमिंग, नई युवा शक्ति आ रही है आज समाज में जो कि चेंज चाहती है। तो आई थिंक जस्ट कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग।